मुबारक हो, आपने किए हैं पूरे 40 में से 40 और आपको मिलते हैं 100 रुपीज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और इसलिए आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं। और आइए देख लेते हैं कि आपने क्या क्या जवाब दिए हैं। और आपने यहाँ और 7 का भी 8 का भी 9 का भी 10 का भी। मुबारक हो, आप जीत गए हैं पूरे 100 रुपीज़। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हर क्वीज़ को ऐसे ही जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जुपिटर चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको अपनी पढ़ाई करनी है, पैसे आपके अकाउंट में खुद ब खुद गिरते जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे होगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है edupedo.com, इस पर आना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहली चरा होम पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कुछ किस तरह से जो है कि आपको सब दिखाई देगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मेरी वेबसाइट पे PDF यानी NCERT PDF नोट्स जो है कि अवेलेबल है, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हर क्लास के नोट्स हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा करने हो तो, अगर आप न्यू हैं तो, अगर पुराने हैं तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो मेन्यू में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको एक टैब मिलेगा यहाँ पे, देखिए, जिसका नाम है क्या, जनरल साइंस ऑनलाइन टेस्ट MCQ, ठीक है। जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे ऐसे तो ये ओपन होगा, एक पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, इस पेज के नीचे यहाँ पे, इस पेज पे मैं आप नए नए क्वेश्चन डाला करूँगा, सब इसी पे आएंगे। यानी कि एक और पेज अभी बनेगा, हर सब्जेक्ट के अलग से पेज बनेंगे। तो ये मैंने साइंस के जो है कि MCQ बनाने शुरू कर दिए हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे इस पर तो जो पेज खुलेगा इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है। यानी कि आप क्या करेंगे, पहले जो है, सबसे पहले चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। यहाँ पर कंपलसरी है, पहले बता दूं, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे किस में, एक क्विज में। और इस क्विज में अगर आप विजेता रहे तो आपको मिलेंगे पूरे 100 रुपये, हर क्विज पे 100 रुपये। देखिए, हर चैप्टर पे, हर, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन का है। देखिए, मोबाइल नंबर है, नाम है, ये तीन चीज़ डालिए ताकि आप आइडेंटिफाई हो जाएँ और आपका मोबाइल नंबर रहे हमारे पास और हम कभी भी आपको कॉल करके बता पाएँ कि आप ही विनर बने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और नेम डालना है। और प्लीज़ फर्जी आईडी से मत करिएगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल आईडी डालिएगा क्योंकि आप ओरिजिनल काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या दिया है कि एक कण वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर लगाता है तो कण द्वारा उत्पन्न विस्थापन होगा, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, मान लीजिए, मुझे सब पता है लेकिन मैं ऐसी डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको जो है कि ऐसे मैंने सही कर दिया। और ऐसे फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने मान लीजिए सही कर दिया, फिर मैंने अगला ये भी सही कर दिया, मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, फिर ये सही कर दिया। आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने, स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मतलब क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो है सभी सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी तो कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि मैंने सारे क्वेश्चन फिल कर दिए और 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 के 10 क्वेश्चन पर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया। यानी जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आंसर दिए हैं सभी प्रश्नों के, उसको मैंने क्या किया, लास्ट में सबमिट कर दिया। तो आइए सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही जो है कि देखिए, ये कह रहा है क्या, अब आगे ना बात, ये क्या कह रहा है कि अपना ईमेल आईडी डालिए, जब आप सबमिट करेंगे तो नहीं होगा, जब इसलिए आपको ये भरना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल देता हूँ, edupedo, ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी अपनी। और ऊपर चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, आप सभी जानते हैं मेरा मोबाइल नंबर क्या है, 99, ठीक है, 10964895। अब जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता चल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर डाल रखे हैं, ठीक है। तो नाम भी आ गया है, edupedo info, मोबाइल नंबर डाल दिया और मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है, ये कंपलसरी था। अब देखिए, अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, यहाँ पर जहाँ सबमिशन का ऑप्शन है उस पर आ जाइए। तो यहाँ पर अब मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ पर जब सबमिशन हो जाएगा तो आप अपना स्कोर खुद देख सकते हो तुरंत, यानी आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्कोर ऊपर आइएगा, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर आइएगा, देखिए लिखा ना व्यू स्कोर, तो आप अपना स्कोर देखें। और अगर आपके 10 के 10 सवाल सही हुए, देखिए मैंने कितना स्कोर किया है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नंबर दिए हुए, ये देखिए यहाँ पर कि 40 में से मैंने 12 नंबर अर्न किए, यानी कि मुझे जो है कि 12 मार्क्स मिले हैं 40 मार्क्स में से, ओके।
ऐसे ही आपको भी शो करेगा। और अगर आपको 40 out of 40 मिलते हैं, 40/40 मिलते हैं, यानी कि पूरे 40 मिल जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको मिलेंगे पूरे 100 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपए? 100 रुपीज़ मिलेंगे हर चैप्टर पे, पहले मैं आपको बता दूं। और एक बात और ध्यान रखें, ये बस एक ही बार होगा। जैसे मैं आज वीडियो डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं आज वीडियो डालता हूँ तो मुझे आज के रात के 12 बजे तक, ठीक है, सिंपल सी बात है, आज रात 12 बजे तक जवाब मिल जाने चाहिए, बस वही आंसर कंसिडर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि रात के 12 बजे तक, 12 AM तक, ठीक है, वही जवाब जो है कंसिडर किए जाएंगे, जो तुरंत मिल जाएंगे, एक ही दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बाद के भेजे गए जवाबों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आपके सामने सारे मैं डाटा भी रख दिया करूँगा, क्योंकि देखिए दूसरों के डाटा दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर एक से ज़्यादा लोग 40 गेन कर लेते हैं, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लोग 40 प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उनका लकी ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, और लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा उसको मिलेंगे 100 रुपीज़। और अगर दोस्तों आप लकी हुए रोज़, तो आप खुद सोचिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100 × 4, यानी 100 × अगर आप 30 बार रहें तो, यानी कि 3000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये देखिए आप कौन कौन से गलत हैं वो आपको पता चल जाएंगे सवाल, कि ये आपने गलत किया है। ठीक है, सही जवाब ये था, फिर आपने यहाँ पे ये गलत किया है, सही जवाब 0 था, यहाँ पर ये गलत, मतलब जो भी गलत होगा, रॉन्ग आंसर होगा उस पर रेड होगा, और जो राइट आंसर होगा उस पर ग्रीन होगा। ठीक है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें जो है कि चेक करके और पढ़ के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, ताकि वीडियो प्रमोट हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।